मेरा डांडी काठियों का मुलुक जैलू बसंत रे तू मां जै बसंत रे तू मां जै। पहाड़ों की रानी मसूरी देवभूमि की एक ऐसी जगह जहां हर मौसम में पर्यटकों का अंबार लगा रहता है। देहरादून से 35 किलोमीटर दूर हिमालयक शिवालिक श्रेणी की गोद में बसा मसूरी पहाड़ की शान है। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। इसका नाम मंसूर पौधे की अधिकता होने के कारण मसूरी पड़ा है। मसूरी के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1826 मीटर है। कैंपटी फॉल, लेक मिस्ट, संतरा देवी मंदिर, म्यूनिसिपल गार्डन, चाइल्डर्स लॉज, गन हिल, मसूरी झील, क्लाउड और मसूरी के कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। हिमालय और दून घाटी के बीच बसा मसूरी का नजारा बर्फ से ढके होने के कारण बहुत ही मनमोहक लगता है। रोपवे से मसूरी के प्रसिद्ध गन हिल का दृश्य देखने का रोमांच ही अलग है। गन हिल से हिमालय पर्वत श्रृंखला और गंगोत्री समूह आदि के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। साथ ही मसूरी और दून घाटी का विहंगम दृश्य भी यहां से देखे जा सकते हैं। ये शहर पर्यटकों के लिए परी महल जैसा है। मसूरी का तिब्बती मंदिर बौद्ध सभ्यता की गाथा कहता है। ये मंदिर निश्चय ही पर्यटकों का मन मोह लेता है। इस मंदिर के पीछे की तरफ कुछ ड्रम लगे हुए हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि इन्हें घुमाने से मनोकामना पूरी होती है। वही कैंपटी फॉल, जो कि यमुनोत्री रोड पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर 4500 फुट की ऊंचाई पर है, यह इस सुंदर घाटी में स्थित सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत झरना है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, जो पर्यटकों के बीच खासा पसंद किया जाता है। मसूरी की खूबसूरती ने ही देवभूमि में उसे पहाड़ों की रानी का दर्जा दिलाया है। तो आइए देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ों की रानी आपका इंतजार कर रही है। अंशिका सारडा, न्यूज डेस्क, हिंदी खबर।